हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 में दे रखा है द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन बाय प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्रायंगल बोथ वे ऑफ 100 डिग्री एंड 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ऑल एंगल। तो बताओ सारे एंगल क्या होंगे। देखो, हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी। क्वेश्चन बोला कि जो इसका बेस है, इसके बेस को दोनों तरफ बढ़ाया गया है, इसको इस तरफ भी बढ़ा दिया और इस तरफ भी बढ़ा दिया। इसे मान लो मैंने नाम दे दिया डी और इसे दे दिया ई। तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं बाहर की तरफ के, वो एंगल हमें दे रखे हैं 100 डिग्री मान लो ये है और 120 डिग्री ये आ गया। तो बताओ इस ट्रायंगल के अंदर के जो तीनों के एंगल होंगे, ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। इसे मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मेंशन कर दो। इन ट्रायंगल एबीसी हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एडीबी 100 डिग्री है एंड एंगल एसीई ये हमारा 120 डिग्री है और हमें एंगल 1, 2, 3 फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लीनियर पेयर का। देखो, एक स्ट्रेट लाइन के अगर दो टुकड़े हों, दोनों का सम होता है 180 डिग्री, रीज़न होता है लीनियर पेयर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 100 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर प्लस का 100 दूसरी तरफ जाएगा, किसको आ जाएगा, माइनस का, माइनस किया तो एंगल 2 आ गया मेरा 80 डिग्री का। एंगल 3 फाइंड करेंगे, सेम लॉजिक यूज़ करना है। ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से, ये एंगल 3 है और ये है 120 डिग्री। एंगल 3 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न होगा वही सेम लीनियर पेयर, जिसका मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन के दो टुकड़े, दोनों का सम 180 डिग्री। प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एंगल 3 आ गया मेरा यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। अब एंगल 2 और 3 आ गया, अब एंगल 1 फाइंड करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड कर लेते हैं, ए बी सी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, तो मैंने लिखा इनर ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए जो कि हमारा 1 है, एंगल बी, बी हमने मैंने लिया था एंगल 2 जो मैंने कितना फाइंड किया यहाँ पे एंगल 2 को 80 डिग्री, एंगल सी जो कि मेरा 3 है, एंगल 3 कितना है मेरा 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड किया 140 प्लस का 140 है, दूसरी तरफ जाएगा किसका आ जाएगा, माइनस का, तो मेरा एंगल 1 निकल के आ गया यहाँ पे 40 डिग्री का। तो मेरे तीनों एंगल हो गए 40, 60 एंड 80 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 130। इसमें हमें दे रखा है द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ द अनदर एंगल, ठीक है। ये हमारा पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, इसकी जो आर्म्स है वो पैरेलल है दूसरे वाले एंगल की आर्म्स की, यानी कि ये एफ ई जो है पैरेलल है बी सी के और ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के। एज शो द फिगर शो दैट द टू एंगल्स आर इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है कि जो बनने वाले ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। सिंपल एंड शॉर्ट में बोला जाए एंगल बी को एंगल ई के इक्वल करना है। तो इसे इक्वल करने के लिए मैं इसे मान लेता हूँ एंगल 2 और इसे मान लेता हूँ एंगल 3 और इसे मान लेता हूँ एंगल नंबर में 1, क्लियर है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अपोजिट साइड पैरेलल, ये अपोजिट साइड क्या है मेरी, पैरेलल है, जो एंगल की आर्म्स हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं गिवन पार्ट, गिवन में मैं दे रखा है ए बी पैरेलल डी ई के एंड एफ ई पैरेलल है मेरा बी सी के, ठीक है। पैरेलल का मतलब वो लाइन है जो एक दूसरे को बढ़ाने पर कभी भी नहीं काटे सिवाय इन्फिनिटी पॉइंट के। अब देखो, यहाँ मेरी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसके अंदर ये बनने वाले जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसकी पहचान हमें नज़र आती है कि एफ, हमें जब एफ मिले तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, बट ये तभी बनता है जब दोनों लाइनें पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें।
तो एंगल दो बराबर होगा वन के, रीज़न हो जाएगा मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे मैं मान लेता हूँ कंडीशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन, इसके बराबर हो गया। ठीक, इसके बराबर होने के बाद देखो दो पैरेलल लाइन हो जिनको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो इसके ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड में यानी कि इस तरफ और इस तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो मेरा एंगल थ्री बराबर होगा एंगल वन के, और ये भी याद रखना दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तभी बनता है ये वाला एंगल भी, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर है, इसे नंबर देता हूँ टू, फिर यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम वन एंड टू। देखो एंगल वन टू के भी बराबर है, एंगल वन थ्री के भी बराबर है, तो मेरा एंगल टू और एंगल थ्री दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात हमें प्रूफ करनी थी कि इसमें जो एंगल बने हो मेरे एफ ई डी और ए बी सी, ये दोनों अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, एंगल टू बराबर एंगल थ्री के हैं, जो मैंने अब प्रूफ कर दिया है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।